सिख समुदाय के लोगों ने मनाया गुरु अर्जुन देव जी का बलिदान दिवस। धौली प्याऊ गुरुद्वारे पर की नरसेवा। सोमवार को गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस शहर के विभिन्न गुरुद्वारों में मनाया गया तो जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। शहर की धौली प्याऊ स्थित गुरुद्वारे पर सिख समुदाय के लोगों ने ठंडे शरबत की प्याऊ लगाई। बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने भाग लिया। वहीं सिख समुदाय के मान सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि अर्जुन देव जी को सन 1606 में भीषण गर्मी में तवे पर बिठाकर उनके ऊपर गरम तेल और गरम गरम रेत डालकर उन्हें यातना दी गई और वह इस यातना से मूर्छित हो गए तो उन्हें रवि की धारा में बहा दिया गया। सिख समुदाय के पांचवें गुरु अर्जुन देव सिख गुरु थे और पहले शहीद सिख गुरु अर्जुन देव जिन्हें गुरु अर्जुन के नाम से भी जाना जाता था, मुगल सम्राट जहांगीर के आदेश पर फांसी दे दी गई थी। उनकी प्रमुख उपलब्धियों में सिख धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ के पहले संस्करण का संकलन शामिल है जिसे गुरु ग्रंथ साहब के नाम से भी जाना जाता है। बाद में आदि ग्रंथ को हरमंदिर साहब ने रख दिया था। गुरु अर्जुन देव मानवता के सच्चे सेवक, धर्म के रक्षक और शांत एवं गंभीर स्वभाव के स्वामी थे। गुरु अर्जुन देव अपने गुरु के जाने माने जन नेता थे। वह दिन रात लोगों की सेवा किया करते थे। सभी धर्म के प्रति अपार सम्मान रखते थे। उनकी शहादत सिख धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इस मौके पर की गई सेवा में मान सिंह, चरण सिंह, सोनू सिंह, विजय सिंह आदि लोग मौजूद रहे। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर वन पैथोलॉजिस्ट के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली मथुरा।